तो गाइज इस साल 2022 में एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर सस्पेंस मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था ग्लास ओनियन ए नाइफ्स आउट मिस्ट्री। और ये मूवी देखने के मेरे पास तीन रीज़न थे। पहला रीज़न कि इस तरह की जो जॉनरा होती है मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस, ये जॉनरा मुझे कितनी ज़्यादा पसंद है ये तो आप लोगों को बताने की अब जरूरत पड़ी नहीं। और दूसरा, इसके अंदर जितने भी भारी भरकम कास्ट दिए हैं उन्हें हम किसी भी तौर से इग्नोर नहीं कर सकते। और तीसरा, इसका जो पहला पार्ट था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, मतलब उसके अंदर का मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी यूनिक लगा था मुझे। पर मुझे अगर इस मूवी को एक वर्ड में समराइज करके एक्सप्लेन करना पड़े तो मैं कहूँगा कि वो भी ठीक ठाक है। क्योंकि सबसे पहले इसकी कहानी देख लो तो कहानी के शुरू में ही हमें 6 दोस्त दिखाए जाते जो अलग अलग जगह सक्सेसफुल है, पर उसमें से एक जन बिलियनियर है और उसने सब अपने 5 दोस्तों को अपने एक प्राइवेट आइलैंड पे इनविटेशन दिया वीकेंड में पार्टी करने के लिए। और जो इनविटेशन देने का आइडिया था वो काफ़ी यूनिक लगता था, वो काफ़ी जबरदस्त लगा मुझे। मूवी के 10 मिनट में ही आपको ये मूवी इंप्रेस कर दी। फिर उसके बाद उन सबको बुला के वहाँ पर पार्टी तो कराते हैं पर अपना एक नकली मर्डर करवा के उसका मिस्ट्री उन लोगों से सॉल्व करना चाहता है, पर वो चीज़ तुरंत ही निकाल देती है। हमारा जो डिटेक्टिव है वो उनके सामने उनकी क्या ही चलेगी। पर अब आप कहोगे कि ये मूवी सुनने में तो एक्साइटिंग लग रहा है पर फिर भी मैंने इसे ठीक ठाक क्यों कहा, क्योंकि ये मूवी सुनने में जितना ज़्यादा यूनिक लग रहा है उतना ज़्यादा यूनिक है नहीं। आप जिस तरह का मर्डर मिस्ट्री देखते हो ये उस तरह का नहीं है। आपको शुरू की फर्स्ट हाफ में कुछ अलग कहानी दिखाई जाएगी कि मर्डर किसी और का होने वाला है, तो फिर आधा मूवी आते आते आपको पता चलेगा कि यार मर्डर तो हो चुकी है। और जब आपको बोला जाएगा कि किसका मर्डर हुआ और कैसे हुआ तो आप मुझे लगता है कि आसानी से पकड़ लोगे कि कौन मर्डर कर सकता है। यही इस मूवी का सबसे बड़ा यूनिक पार्ट मुझे लग रहा है। और एक चीज़ है, ये मूवी अपनी पूरी रन टाइम में आपको पलक झपकाने की मौका भी नहीं देगी। ये मूवी आपको बांध के रखेगी, स्टोरी के अंदर पूरा का पूरा घुस जाओगे आप एक भी चीज़ मिस नहीं करना चाहोगे। हाँ, उसका दूसरा रीजन विस्की भी हो सकता है पर मूवी की स्टोरी भी उतनी ही कमाल की। और जितने सारे ट्विस्ट होते हैं इसके अंदर वो सब एक्सपेक्टेबल है, मतलब आप पहले भी एक्सपेक्ट कर सकते हो उस सब ट्विस्ट को, इसलिए वो जब ट्विस्ट आपके सामने फेंके जाएंगे तो उतना ज्यादा आपको हिट नहीं करेगा, उतना ज्यादा आप सरप्राइज नहीं होंगे। और इसी में आप कहोगे कि यार तभी मूवी एकदम ही बेकार होगी, मैंने एक जरा सी तारीफ नहीं की, तो रुको, मैं ये मूवी जज कर रहा हूँ इसकी फर्स्ट हाफ से कंपेयर करके। तो अगर आपको ये मूवी देखने में मजा चाहिए तो मैं कहूँगा कि इससे कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखना और इसे एक सेपरेट मूवीज की तरह ही जज करना, तब आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा मजा देगी। क्योंकि मुझे तो ये मूवी अच्छी लगी, कहीं से मेरी टाइम का गैर इस्तेमाल नहीं हुआ मुझे लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो बॉन्ड दिखाई गई हमें सब आपस में 6 दोस्तों की वो काफ़ी यूनिक लगी, उसे देखने में मजा आता है, इंटरेस्टिंग है। और जो हमारे मेन हेडन क्रॉक के एक्सेंट वो भी काफ़ी न्यू है, काफ़ी यूनिक है इस मूवी में, तो उसे देखने में मजा आया। तो मेरा फाइनल विचार यही है कि अगर आपको मर्डर मिस्ट्री वाली मूवीज पसंद है, सस्पेंस थ्रिलर मूवीज पसंद है, तो आप मूवी देख सकते हो। बस ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना इस मूवी से, तब आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज करेगी, मचा देगी, तो आप देख लो। बाकी मैं इसी तरह मूवीज और सीरीज के ऊपर वीडियो बनाते रहता हूँ, तो अगर आपको इस तरह वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।